तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। आप देख रहे होंगे मेरे बगल में मेरे मिसेज जी भी हैं। हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, एक बार फिर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस समय देखिए दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और अभी मैं फिर से आ चुका हूँ अपने वाराणसी के राजघाट पर और साथ में मेरी वाइफ भी हैं। ठीक है, तो आज इन्हें को घुमाने भी आए हैं और ब्लॉग भी बनाने, और कोशिश कीजिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। भीड़ है ना? बहुत ज़्यादा। हाँ, नया साल है ना, इसकी वजह से भीड़ काफ़ी ज़बरदस्त है। ये देखिए, ये देख रहे हैं। तो चलिए राजघाट होते हुए हम लोग चलते हैं नमो घाट के लिए। चलो बाबू साथ में नहीं है ना तो क्या, किसके लिए लोगी? चलो कोई बात नहीं, बाबू ने पैसे दे दिए। फिलहाल देखिए आज जो है कि किसी कारणों से आज बाबू नहीं आया साथ में, नहीं तो वो भी रहता तो उसको दिलवा देते हम लोग। वो अपने दादी के साथ घूमने गया है ना? दादी के साथ गया है घूमने, तो उधर वो गया है घूमने के लिए दादी के साथ, तो इधर हम लोग आ गए घूमने के लिए हस्बैंड वाइफ साथ में। और इस समय देखिए 12:30 बज रहा है कि यानी कि अगर यहाँ से अगर जहाँ मैं मौजूद हूँ अगर वहाँ से देखेंगे तो आपको गंगा नदी का जो पानी है वो भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यार देखा है तो बहुत ज़्यादा कोहरा है आज। ये देख रहे हैं, ये है नमो घाट का पार्किंग एरिया, जहाँ पर देखिए बस भी आया हुआ है पूरे ग्रुप के साथ और दो पहिया वाहन ज़्यादा ही नज़र आ रहा है, चार पहिया वाहन भी। और दोपहर का समय है, ठंड भी काफ़ी तगड़ा वाला है, लेकिन भीड़ देख रहे हैं, भीड़ जबरदस्त है। ये देखिए फोन आ गया क्या किसी का? ये देख रहे हैं किसी किसका फोन है? हैं? किसका फोन है? मेरे सिस्टर का। सिस्टर का फोन है, साली का मेरे। ठीक है, देखिए पीछे दिख रहा है राजघाट पुल। चलिए रोड से ही हम लोग चलते हैं, उसके बाद रोड से होते हुए गेट होते हुए चलेंगे नमो घाट के लिए। कहाँ गई ये है पीछे, चलिए वो फिलहाल बात कर रही है और हम लोग भी चलते हैं धीरे धीरे नमो घाट के पास। ये देख रहे हैं नमो घाट घूमने वालों का भीड़ देख रहे हैं, काफ़ी ज़बरदस्त भीड़ है। और वैसे देखें तो अपने वाराणसी के इस समय यानी क्या नया साल है तो ज़बरदस्त भीड़ रहेगा, जिस प्रकार देख रहे हैं यहाँ पर भीड़ है। वैसे तो ये सीधे रास्ता अपने बनारस शहर के लिए चला जाएगा, अगर वही बाएं साइड घूमेंगे तो राजघाट पुल होते हुए पड़ाव के लिए चले जाएंगे। फिलहाल देखिए रास्ते से होते हुए हम लोग चल रहे हैं नमो घाट के लिए। इस साइड देखिए सीएनजी स्टेशन नमो घाट का, ये देख रहे हैं। और जाते जाते ब्लॉग बनाते बनाते देखिए मेरे सब्सक्राइबर भी मिल चुके हैं, ये देखिए हैं। और इनका भी एक चैनल है, क्या नाम है आपका चैनल का? दुर्गेश ट्रैवलर। हाँ, इनके चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये ट्रैवल का वीडियो बनाते हैं। ये देखिए ये था मेन गेट और साथ में ये हैं मैडम जी। चलिए वहाँ चलेंगे या तो उसके बाद बैक कैमरे से आपको दिखाएंगे। ये देख रहे हैं बैक कैमरे से मैं दिखा रहा हूँ, काफ़ी तगड़ा वाला भीड़ है नमो घाट पर। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि नमो घाट पर ही भीड़ रहेगा, आपको इसी प्रकार का 80 घाट पर भी देखने को मिलेगा, दशाश्वमेध घाट पर भी देखने को मिलेगा भीड़। ये देख रहे हैं कोहरा इतना जबरदस्त है कि गंगा जो नदी है वह भी नहीं दिख रहा है। चलिए आइए इस साइड से चलते हैं। तो देखिए फिलहाल अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नमो घाट, ये देख रहे हैं भीड़ काफी जबरदस्त है। तो उसके बाद लेकर चलते हैं जहाँ पर हाथ जोड़ा हुआ स्टेचू है, तो वहाँ पर लेकर चलते हैं, वहाँ पर दिखाते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त वाला भीड़ वहाँ पर भी है। यहाँ पर देखिए एक बोर्ड लगा हुआ है जो कि सारनाथ के बारे में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में, राजघाट रामनगर पंचक्रोशी यात्रा और काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है। सबसे खास बात यह है कि वहाँ पर देखिए पानी पीने के लिए भी व्यवस्था बनाया गया है। यहाँ पर देखिए बहुत सी दुकानें जो थी, अभी देखिए जो दो दुकान है वो फिलहाल अभी भी बंद है। वहाँ पर देखिए एक मोमोज का दुकान, पानी का दुकान, क्रैक्स, लैच, चाय और
और देखिए इस साइड भी है मोमो का दुकान, ये भी दिखाया तो हाल फिलहाल में ही खुला हुआ है। चलिए यहाँ पर थोड़ा एक रेड बोर्ड भी लगा हुआ है, इसे भी दिखा देते हैं। ये देखिए वेज रोल 30, सोयाबीन मोमो 40, पनीर मोमो 60, ये देखिए पूरा बोर्ड पर लिखा हुआ है। और अंदर बन रहा है, चलिए थोड़ा सा सीन और आपको दिखा देते हैं। और पीछे देखिए इस साइड देखिए इंडियन ऑयल लिखा हुआ है, पीछे देखिए है शौचालय, महिला और पुरुष शौचालय। सबसे खास बात यह है कि देखिए यहाँ पर महिला और पुरुष शौचालय जो है वो खुल चुका है। ये है आरओ प्लांट, ये देख रहे हैं 5 रुपया है। ये देखिए ये है आरओ प्लांट, जैसा कि मैं बता दिया हूँ। और सबसे खास बात यह है कि देखिए यहाँ पर जो है पेशाब करने का भी पैसा लग रहा है, 5 रुपया पर व्यक्ति। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पर पर्सन 5 रुपये। और पीछे है सीएनजी स्टेशन। और ये है भीड़ कुछ इस प्रकार, काफी तगड़ा वाला भीड़ नमो घाट। एक समय था यहाँ पर एक भी व्यक्ति नजर नहीं आता था। ये जो बातें मैं कह रहा हूँ ये लगभग 5 से 6 साल पहले का बात है। और देखा है तो नया साल है, यानी 2023 का पहला दिन, जिसकी वजह से बहुत से लोग हैं काफ़ी दूर दराज से, कई अन्य ज़िलों से अपने वाराणसी से घूमने के लिए आए हुए हैं नमो घाट पर। चलिए चलते हैं सीढ़ी के माध्यम से नीचे हम लोग। देखिए सीढ़ी भी बुक हो गया है, यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बना हुआ है इसमें। ये देख रहे हैं सीढ़ी को फोटो खिंचाया जा रहा है, फिलहाल भीड़ काफ़ी ज़बरदस्त है। भीड़ है, हाँ चलिए चलते हैं अब स्टेचू के पास, जहाँ यानी कि जहाँ पर हाथ जुड़ा हुआ मूर्ति बना हुआ है वहाँ पर चलते हैं। और यहाँ पर देखें तो नमो घाट पर पुलिस प्रशासन की टीम, महिला पुरुष भी मौजूद हैं। और यहाँ पर देखिए एक सेल्फी पॉइंट है पीछे। ये देखिए सामने है गंगा नदी, कोहरा की वजह से नहीं दिख पा रहा है। ये देख रहे हैं जहाँ पर स्टेचू है वहाँ पर भीड़ है, काफी जबरदस्त वाला भीड़। यहाँ पर देखिए फोटो लिया जा रहा है, सेल्फी लिया जा रहा है। चलिए चलते हैं, फिलहाल ये देख रहे हैं सेल्फी लेने के लिए काफी जबरदस्त तगड़ा वाला भीड़ है। और फिलहाल देखेंगे तो इस समय देखिए सब लोग नमो घाट फेज वन पर तो आया ही है घूमने के लिए, और नमो घाट फेज टू पर भी बहुत लोग हैं जो कि जा रहे देखने के लिए आखिर कितना कार्य हुआ है कितना नहीं हुआ है। चलोगे क्या तुम भी देखने यहाँ पर भी देते हैं? चलोगे हेलीपैड जहाँ जहाँ हेलीपैड बन रहा है, चलो हेलीपैड बन जाता है तो उसके बाद हम लोग भी हेलीकॉप्टर घूमते हैं। ये देखिए पीछे भीड़ दिख रहे हैं। और दोस्तों कमेंट करके बताइए कि यह ब्लॉग कैसा आपको लगा, और कोशिश करेंगे तो इसी प्रकार का आपको ब्लॉग देखने को मिलेगा मेरे चैनल पर बनारसी यूट्यूबर पर। तो दोस्तों ये देख रहे हैं सामने गंगा नदी, और कोहरा देख रहे हैं काफ़ी ज़बरदस्त वाला कोहरा है इस समय छाया हुआ। अगर उस पार देखेंगे तो उस पार बहुत ही हल्का फुल्का नज़र आ रहा होगा आपको। इस समय देखिए एक मालगाड़ी भी गुजरते हुए आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर से वाहन। और ये भीड़ देखिए गंगा नदी के किनारे भी भीड़ काफ़ी ज़बरदस्त है। और देखा जाए तो दशाश्वमेध घाट से बहुत से अन्य ऐसे घाटे हैं जहाँ से
बहुत से लोग पर्यटक आ रहे हैं नमो घाट घूमने के लिए। फिलहाल देखिए यहाँ पर शायद बनने वाला है आपका नमो घाट फेज टू पर, जो जिस प्रकार आप देख रहे हैं सामने हाथ बना हुआ है, यहाँ पर भी एक अकेले हाथ बनेगा 75 फीट का। और उस साइड भी देखिए भीड़ देख रहे हैं, काफ़ी तगड़ा वाला भीड़। ये जो है नज़ारा, ये है 2023 का पहला दिन, यानी कि 1 तारीख का नज़ारा, 9 वर्ष के दिन का नज़ारा है। फिलहाल देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं नमो घाट फेज टू पर। हालांकि देखा है जो हेलीपैड जो बन रहा है वो काफ़ी आगे बन रहा है, और उस साइड देखा है तो काफ़ी सुनसान एरिया है, तो जिसकी वजह से हम लोग उस साइड नहीं जा रहे, कैंसिल हो गया जाना। तो फिलहाल देखिए अपने मैडम जी को थमा दिए हैं, अपना हेलमेट लेके टहल रही हैं। सही है लीरो, कोई दिक्कत नहीं है हेलमेट। अरे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए सामने मंदिर भी है, जो कि नमो घाट फेज टू पर आएंगे तो कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा। ये देखिए इस साइड से देख रहे हैं नमो घाट का भीड़। ये सामने नमस्ते करते हुए जिस प्रकार स्टैचू भी किया गया है, नमस्ते करते हुए उसी प्रकार बहुत से लोग हैं अपना पोज में देके फोटो खिंचवाते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। और भीड़ के बारे में बात किया है तो भीड़ तो जैसा कि आप वीडियो में देख के अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कितना ज़बरदस्त वाला भीड़ है अपने वाराणसी के नमो घाट कह लीजिए या फिर खिड़किया घाट कह लीजिए। और सामने देखिए मेन रास्ता है, मेन रास्ते पर भी देख रहे हैं जाने वाले को कम भीड़ है, लेकिन आने वालों का भीड़ देखेंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त भीड़। यहाँ पर देखिए पुलिस की गाड़ी भी है 112, और ऊपर जो है ऊपर है लाल खां का मकबरा, और उस साइड देखिए है गोवर्धनधारी मंदिर, जो कि उसके अंदर भी देखेंगे तो वहाँ पर भी एक दुकान खुल गया है चाय पान। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह हम लोगों का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा तो क्या करना होगा, लाइक एंड शेयर जरूर करिए। अगर आप बनारसी यूट्यूबर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो तब तक के लिए नमस्कार और हर हर महादेव, ये भी सीख गए, नमस्ते। चलिए ठीक है।